केवल उन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च करके लूट का केंद्र बनाया है। पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हम ग्वालियर के नागरिक हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। बाहर से दिल्ली से आगरा से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, आप देखिए स्थिति क्या हो रही है। ग्वालियर जिले में मौजूद ऐतिहासिक महत्व के स्थल और पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य अब जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं, और ये हुआ है जनप्रतिनिधियों और अफसरों की अनदेखी के चलते। ग्वालियर के अधिकांश जल स्रोत गंदगी और कीचड़ से लबालब भरे पड़े हैं, जिनका कोई रखरखाव नहीं हो पा रहा है। दरअसल ग्वालियर में वर्षों से हो रहे विकास कार्यों और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन कई तरह के हथकंडे अपना चुका है। लोगों को लुभाने के लिए शहर के हृदय स्थल फूलबाग के पास बने बोट क्लब, जहां कई करोड़ की लागत से इसलिए कराया गया ये निर्माण ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक ग्वालियर के सौंदर्य और सुविधाओं का आनंद ले सकें। ये तालाब को अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, तालाब की सफाई उपाई करवाए, यहाँ पर जो है लोग जो गंदगी करते रहते हैं, अगर इसकी सफाई होती रहेगी तो यहाँ गंदगी क्यों करेंगे। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एक नगर निगम का कोई बंदा भी रहना चाहिए जो यहाँ पर गंदगी ना करें। लोग साफ सफाई हो जाएगी तो जो है कि यहाँ पर कुछ लोग घूमने फिरने भी आ सकते हैं, हो सकता है कि उसमें पानी पीने का भी उपयोग भी किया जाए। ग्वालियर के अंदर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा तालाब तो है नहीं, एक दो तालाब हैं, उनकी भी साफ सफाई गवर्नमेंट नहीं करा पा रही है, कोई शोचनीय विषय है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है इसकी तालाब की सफाई करा देना चाहिए, और इसमें जो है कुछ नाविक वगैरह चलवा दी जाए, जिससे सैलानी वगैरह भी घूमने के लिए आ सकें, मनोरंजन आदमी कर सके आ करके। यहाँ तो शाम के टाइम तो जो स्थिति हो जाती है कि आप आ करके देखें, कोई भी आ करके देखे कि यहाँ पर पीने पिलाने का कितना मैटर चलता रहता है। तो जी क्या है, अब ये वैसे भी पुरातत्व का धरोहर माने जाते हैं ये सागर था, तो इसकी ज़रूरी है, इसको देख रेख करना चाहिए। पानी का भी स्रोत ऐसे क्या है कि जो आस पास स्रोत हैं जल स्रोत, इसमें पानी गंदा आता है, जिसमें जो गंदा पानी है ना, इसकी जो सी बुझाती है तो उसमें भी दिक्कत आती है। इसके साथ ही शहर में तमाम ऐसे जल स्रोत हैं जो ऐतिहासिक विरासत होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के पीने के पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को बदलने के साथ ही ये ऐतिहासिक महत्व के निर्माण दम तोड़ने लगे हैं, और अब इनकी स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ गंदगी और कीचड़ का साम्राज्य है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया बोट क्लब भी बदहाल स्थिति में आ चुका है। कारण ये है, नगर निगम में जो पूर्व में काम कराए गए हैं उनमें न तो कार्य को देखा गया, न गुणवत्ता देखी गई, न कार्य के महत्व को समझा गया, केवल पैसे की लूट मचाई गई है, काम को कोई महत्व नहीं दिया गया है। अगर इन्होंने बाकायदा उसी आधार पर जिस तरह के उन्होंने प्लान बनाया था कि यहाँ ये बोट क्लब रहेगा, यहाँ पर सैलानी आएंगे, यहाँ पर्यटक आएंगे, यहाँ का जो वातावरण बनेगा, यहाँ लुत्फ उठाएंगे, बोट चलेगी, स्वच्छ पानी स्वर्ण रेखा बहेगा, इन सब चीज़ों का तो कोई महत्व नहीं दिया। केवल उन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च करके लूट का केंद्र बनाया है, उन्होंने पर्यटक स्थल नहीं बनाया, ये कमी है, ऐसा मानता हूँ। तो स्वर्ण रेखा को भी उस समय पक्का किया गया था, इसीलिए किया गया था कि पूरे शहर में स्वच्छ पानी, पूरे नहर में पानी स्वच्छ चलेगा, और यहाँ आके बोट क्लब पर स्वच्छ पानी मिलेगा, जिसमें बोटिंग होगी, सैलानी यहाँ रहेंगे, लेकिन वो तो कुछ हो नहीं पाया। पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और यहाँ पूरे शहर में जो रिचार्ज वाटर रिचार्ज होता था उससे और वंचित हो गई शहर की जनता, क्योंकि जो कच्चा था तो पानी के सोर्स से जो रिचार्ज होता था उससे और महफूज हो गए हैं इसको पक्का करके, और पानी स्वच्छ मिला नहीं जनता को। देखिए, जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको लेकर एक प्लान बनाया गया है, अमृत 2 में भी कुछ वाटर बॉडीज हम लोग ले रहे हैं, और ग्वालियर में हमारा प्लान है कि फ्यूचर में लगभग 15 ऐसी वाटर बॉडीज हमने आइडेंटिफाई की ग्वालियर में, जिसको हम डेवलप करते हैं, एक सिटी ऑफ पॉन्ड अपन बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमको एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर 25,000 रुपये मिले हैं, जिसमें हम वाटर स्टोन वाटर को लेकर और जो पुराने जो ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिसको हम रिवाइव कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं, ग्वालियर में आपको सरप्राइज होगा कि लगभग 3,000 वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिसमें हम कुएँ हैं, बावड़ीज़ हैं, जो GIS मैप्ड हैं। तो अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमें 8 जगह पे लेने के लिए बोला है, जिसको हम 25,000 में कवर अप करेंगे। तो धीरे धीरे हम भी प्रयास करते हैं कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जो बड़े लेवल पे है, वो भी कुएं और बावड़ी में भी रिचार्ज हो जाए। जो हमारा बेजा ताल है, बेजा ताल तो हमारा अच्छा चल रहा है, ट्रीटेड वाटर से हम लोग लगभग 45 लाख रुपये हर साल उसको हम अर्न भी कर रहे हैं। जो आपका फिश एक्वेरियम की जो बात कर रहे हैं, उसको रिवाइव करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, पिछले कई सालों से वो बंद था,
और मैंने अपने अधिकारियों को बोला है कि इसको दोबारा से चालू करें, उस पर संभवतः 10-15 लाख रुपये का और खर्चा है और हम बहुत जल्दी उसमें फिश एक्वेरियम चालू करेंगे। अच्छा, देखेंगे उसके लिए, हम लोग निरीक्षण के लिए जाएंगे और जानकारी लेंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी कि वो फिर से सही हालत में। बोट क्लब में ही बने मछली घर फिश एक्वेरियम जर्जर हालत में है, जिसमें लाखों रुपये की मछलियाँ डाली गई थी और अब उस एक्वेरियम की सुत लेने वाला कोई नहीं है। इस मामले में हमने निगमायुक्त से बात की तो उनका कहना है कि जल्द ही उसे तैयार कर आमजन के लिए खोला जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, देखिए कैसी समस्या है, कितनी गंदगी है, और नगर निगम यहाँ पे कांग्रेस की है, इतने सालों बाद कांग्रेस आई है, फिर भी इतनी गंदगी है, बदबू आती है, लोग घूमने के लिए बाहर से आते हैं, फिर भी इतनी गंदगी है, बदबू आती है उन लोगों को। अब बताइए ग्वालियर का क्या मैसेज जाएगा लोगों को, अब कैसा लगता है, कैसे बताऊँ मैं, हम ग्वालियर के नागरिक हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, बाहर से दिल्ली से आगरा से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, आप देखिए स्थिति क्या हो रही है, बदबू आती है यहाँ पे, मच्छर हैं, डेंगू होता है बच्चों को, अब क्या बताएं। स्वच्छता के वादे करती है लेकिन स्वच्छता को पूर्ण नहीं करती है, अब क्या बोल दें नगर निगम से। जहाँ तक भाजपा थी या फिर कांग्रेस थी, अब तो कांग्रेस ही सरकार है, कांग्रेस आरोप लगाती थी बीजेपी पे यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, अब आप देख लीजिए ना सफाई का क्या नतीजा है। सब पूरे शहर के अंदर मैंने जाके देख लिया है, मैं घूमता रहता हूँ पूरे सिटी के अंदर, दिल्ली से आगरा से मेरे दोस्त भी आए यहाँ पे, उन्होंने देखा है कितनी गंदगी ग्वालियर में है, और ये नगर निगम का कर्तव्य है, उनको पूरा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए ग्वालियर का, लेकिन वो ध्यान नहीं रख रही है। बहरहाल देखना यह है कि हमारे शहर की नई महापौर और निगम कमिश्नर इसका जीर्णोद्धार करने में रुचि लेते हैं या फिर ये स्थान अपनी बदहाली के आंसू बहाता रह जाएगा। करोड़ों की लागत से बने बोट क्लब और फिश एक्वेरियम आज जर्जर हालत में है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आज वह ऐसी स्थिति में है जिनका लोग नाम तक भूल गए हैं। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन इनकी सुत लेता है या फिर ये इसी स्थिति में पड़े रहेंगे। जनसारथी के लिए अनिल शर्मा, ग्वालियर। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।